सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर परफेक्ट लर्निंग क्लब। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, अभी तक जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमन बींग्स में हो रहा है वो क्या किस वजह से हो रहा है, वो हमने सारा पूरा पढ़ लिया है कि हार्ट की वजह से ही क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में हो रहा है, चाहे फूड है चाहे एनर्जी, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो सारा का सारा कैसे हो रहा है, ह्यूमन बींग्स की बात की थी। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स में कुछ तो डिफरेंस हो गई है ना। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किस में, प्लांट्स में। अब बोलोगे बच्चों कि ट्रांसपोर्टेशन हो किस चीज का रहा है। ठीक है, होता है ना कि भाई ठीक है ह्यूमन बींग्स में दे रहा फूड एनर्जी का, तो वैसे प्लांट्स में भी तो एनर्जी की नीड है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी तो एनर्जी की नीड है ना। तो बच्चे देखो, अब इसमें क्या पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, किस हेल्प किसकी हेल्प से हो रहा है, एंड क्या उसकी स्ट्रेटजीज हैं, क्या उसके मेथड है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है आपका कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, एंड फोटोसिंथेसाइज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसाइज एनर्जी जो होती है, क्या चीज, फोटोसिंथेसाइज एनर्जी जो होती है वो कहाँ पर स्टोर रहती है आपकी, तो हमेशा पता चला ये स्टोर्ड कहाँ पर रहेगी, उस ऑर्गन पे ये एनर्जी स्टोर रहेगी जो कि क्लोरोफिल कंटेन ना बना हुआ, मीन्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, जो क्लोरोफिल कंटेन करता होगा उस ऑर्गन में ये एनर्जी स्टोर रहेगी, मीन्स कौन से ऑर्गन में स्टोर रहेगी, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन। ठीक है, समझ में आया। अब आपको पता है क्लोरोफिल कहां पर कंटेन रहता है, दैट इज लीव्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी जो होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन। ठीक है, कहां पर रहती है आपकी जो एनर्जी स्टोर रहती है, कहां पर रहती है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, दैट इज नोन एज लीव्स। तो जितनी भी आपकी एनर्जी अब कहां पर स्टोर रहेगी, लीव्स में रहेगी, एंड लीव्स से ही वो क्या करेगी, आपका पूरा ट्रांसपोर्ट करेगी। पहली एनर्जी की हमने ये बात कर ली। ठीक है, अब बच्चों देखो, किसी भी, अब ये तो हमने कर लिया कि एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, अब किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत है। रॉ मटेरियल्स की जरूरत क्यों है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसको अबव ऊपर की तरफ मूव कराने के लिए। ठीक है, उसकी अबव की तरफ को ग्रोथ, ऊपर की तरफ को ग्रोथ कराने के लिए, किसी भी पेड़, छोटा सा पेड़ होता है ना, उसकी ग्रोथ होती है तो हमें दिखता है ना कि बड़ा हो रहा है, तो वो जो बड़ा हो रहा है अपनी हाइट में, जो उसकी ग्रोथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है, रॉ मटेरियल्स की हेल्प से हो रही है। ठीक है, तो बच्चों ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो आते कहां से है, ठीक है, ये रॉ मटेरियल्स आते कहां से है, तो आप बोलोगे बेटा रॉ मटेरियल्स का जो नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स जो है, मीन्स रॉ मटेरियल्स हमें जहां से मिल रहे हैं उसका सबसे पास वाला सोर्स, मतलब पेड़ का वो सबसे पास वाला सोर्स, सबसे पास वाला पार्ट जहां से हम रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, जहां से हम रॉ मटेरियल को गेन कर सकते हैं, वो पार्ट प्लस वो पार्ट जहां पर सबसे ज्यादा हमें क्या मिल रहा है, रिचेस्ट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट हो रहे हैं, वो कौन सा पार्ट है, तो हम सबको पता होना चाहिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से फाउंड होते हैं, सॉइल में। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का सबसे नियरेस्ट एंड सबसे रिचेस्ट सोर्स जो है वो हमारा क्या है, सॉइल है। ठीक है, अब आपको दिमाग में इतना तो आ गया कि भाई सॉइल है, तो आपके दिमाग में इतना तो पक्का आ चुका है, इतना तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप सबके दिमाग में आ चुका है कि यहाँ पर हम रूट्स की ही बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो सॉइल है उससे हमारा तो अटैच रहता है, उसके सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, रूट्स। तो अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रूट्स की। अब ये रूट्स क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं आपका, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड अदर मिनरल्स। ठीक है, समझ में आया बच्चों, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कहां पर हमें मिल रही हैं, सॉइल में मिल रही हैं। रॉ मटेरियल्स है क्या क्या, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड अदर मिनरल्स जो है वो हमारे रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल कहाँ पर फाउंड होते हैं, जो कि आपके सबसे ज्यादा पास में नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स जो रॉ मटेरियल्स का है वो सॉइल है। सॉइल के सबसे क्लोजेस्ट पार्ट में कौन सा पार्ट होता है, पेड़ का जो आपका प्लांट होता है उसका सबसे क्लोजेस्ट पार्ट सॉइल के कॉन्टेक्ट में कौन सा होता है, ऑब्वियसली बात है रूट्स। ठीक है, तो रूट्स में क्या होता है, रूट्स क्या करती है, इन रॉ मटेरियल्स को क्या करती है,
ऑप्टेन करती है वहां से, कहां से, सॉइल से, एंड उसके बाद उसको क्या करती है अबव की तरफ, तभी उसकी ग्रोथ अबव की तरफ होती है, उसको क्या करती है पूरा उसमें क्या करती है इसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है रॉ मटेरियल्स का पूरे आपके पूरे पेड़ में, एंड उसके बाद तब उसकी क्या होती है ग्रोथ होती है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको एक और तरीके से समझा सकती हूँ, होप्स आपको तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ट्री है मान लो, ये इसकी क्या है रूट्स। ठीक है, अब ये रूट्स कहां पर होती हैं, ऑब्वियसली बात है सॉइल में होंगी। ठीक है, ये तो ऊपर आपको ये है, यहाँ पर आपकी लीव्स मान लो कुछ, यहाँ पे कुछ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये रूट्स ने इस सॉइल से क्या करेगा, जितना भी आपका क्या था फॉस्फोरस नाइट्रोजन अदर मिनरल जो भी आपके मिनरल्स वगैरह थे सारे यहां से कैप्चर कर ले, सारे यहां से ऑब्टेन कर ले, कहां से रूट्स ने सॉइल से जितने भी रॉ मटेरियल थे। अब क्या करेगा, यही रॉ मटेरियल क्या करते हैं इसकी जो ट्री है उसकी ग्रोथ को अबव की तरफ क्या करते हैं पुश अप करते हैं। तो कौन से क्या चीज करते हैं बोलेंगे, तो रॉ मटेरियल्स ही एक ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इसकी आगे की ग्रोथ को अपवर्ड की ग्रोथ को क्या करते हैं, इसके सबसे ज्यादा नेसेसरी इसके लिए है वो क्या है रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, ठीक है हमने बोला, हमने दो पॉइंट इसके पकड़ लिए कि ठीक है ये आपका रॉ मटेरियल्स है एंड ये आपका क्या है एनर्जी जो हमें यहाँ मिल रही है वो हमने देख लिया, हमारे दो पॉइंट हो गए। ठीक है बच्चों, अब उन्होंने क्या बोला कि अगर हम किसी चीज की बात करें कि जो बॉडी में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है अपने अपने बॉडी के डिजाइन के अकॉर्डिंग ही वहां पर एनर्जी जा रही है, अपने अपने कोई पेड़ इतना बड़ा है तो उसमें टाइम भी जो ट्रांसपोर्ट होने में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा, कोई पेड़ छोटा सा है तो उसमें ट्रांसपोर्ट होने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जो लीव से और जो रूट तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है लीव पत्तों से और उसकी जड़ों तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है अगर वो कम से कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में कम से कम टाइम लगेगा। ठीक है, और अगर वो डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होगा तो इस समय ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसको पूरा ट्रांसपोर्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, छोटा छोटा पेड़ होगा डिस्टेंस कम से कम होगा तो ट्रांसपोर्ट होने में भी इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसने क्या बोला, ठीक है हमने इसकी बात कर ली कि ये ऐसा है, लेकिन ये आपको इतना तो आपको पता चले कि बॉडी के डिजाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है क्योंकि देखो पेड़ में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है ना, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो आपका अगर प्रोपोर्शन आप देखो 100 to 80% जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं डेड होते हैं, एंड सेल्स कहाँ पर होते हैं टिश्यू में होते हैं, तो ये क्या होता है डेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है प्लांट्स में एनर्जी की जो नीड होती है वो टॉल प्लांट्स में क्या होती है कम होती है क्योंकि सेल्स जो है डेड है, सेल्स डेड है तो एनर्जी तो सेल्स को ले ही नहीं रहे ना, वो ऑप्टेन ही नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी वैसे की वैसी है, तो एनर्जी क्या होती है जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती ही नहीं है क्योंकि सेल्स डेड है, सेल्स होंगे तभी तो एनर्जी गेन करेगा वो, है ना। तो उसमें क्या होता है जो लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज होते हैं तो ये बॉडी के डिजाइन के अकॉर्डिंग होता है, जो बड़ा जितना बड़ा पेड़ होगा उसके सेल्स अगर सेल्स जो है वो डेड होंगे, डेड सेल्स होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि सेल्स डेड है तो वो धीरे 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 आगे करके मूव करेगा, जहां पर सेल्स एक्टिव होंगे वहीं पर मूव करेगा, डेड सेल्स में तो वैसे ही मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बॉडी डिजाइन के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया। अब उसने कहा कि इसकी दो स्ट्रेटजीज में इसको हमने बांट दिया। ठीक है, जो आपका ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसकी दो स्ट्रेटजीज हो रही है, पहला स्ट्रेटजी इन्होंने बोला जाइलम एंड दूसरा स्ट्रेटजी जो आपका मेथड है वो है आपका फ्लोएम। ठीक है, अब आपको सबसे बड़ा ये है कि जाइलम में क्या होगा एंड फ्लोएम में क्या होगा। तो बच्चों देखो जाइलम क्या करेगा, जितना भी वाटर से रिलेटेड होगा, ठीक है वाटर जो आपका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो होगा कहां से सॉइल से या फिर रूट से। ठीक है, तो जाइलम का क्या क्या होगा, जितना भी वाटर से या फिर मिनरल जितना भी उसका सर्कुलेशन होगा, मींस वाटर एंड मिनरल्स का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो जाइलम की हेल्प से होगा। ठीक है, जाइलम टिश्यू होता है प्लांट्स में, उसकी हेल्प से होगा, जितना भी रूट से जितना भी आपको ऑब्टेन कर रहा है मिनरल्स वाटर जो भी उसका वाटर का या फिर मिनरल्स का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो जाइलम की हेल्प से होगा। क्लियर होगा, अभी खाली बेसिक बेसिक समझो। ठीक है, फ्लोएम का क्या क्या होगा, जितना भी आपकी फोटोसिंथेसाइज एनर्जी है, फोटोसिंथेसिस एनर्जी है इसको क्या करेगा, ये जो फोटोसिंथेसिस एनर्जी इसको क्या करेगा ट्रांसपोर्ट करेगा, कहां पर करेगा ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, हर जो भी प्लांट के जितने भी सारे पार्ट्स होंगे उनको सिंथेसाइज करने का काम कौन करेगा, ये फोटोसिंथेसिस एनर्जी जो स्टोर हुई आपकी लीव्स में, तो फ्लोएम क्या करेगा इसको इसी एनर्जी को पूरा का पूरा सर्कुलेट करने में, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन करने में कौन हेल्प करेगा हमारा,
एनर्जी को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा फ्लोएम, जाइलम क्या हेल्प करेगा जितना भी वाटर है मिनरल्स से रिलेटेड जो भी होगा उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा हमारा जाइलम पूरे प्लांट्स में, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक। अब हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो आपका जो जाइलम में हो रहा है वो किस उससे हो रहा है, मीन्स अगर हम बात करें कि हमारा टॉपिक है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे हो रहा है। अब हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अभी तो हमने जाइलम में पढ़ लिया कि जाइलम में क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का। अब हमने पढ़ना है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। मतलब बच्चे देखो, जाइलम टिश्यू होता है ना, जाइलम क्या है आपका एक टिश्यू है, हमारी बॉडी जो सेल्स बनी हुई है सेल्स में टिश्यू होते हैं, वैसे प्लांट्स में भी टिश्यू होता है, सेल्स में टिश्यू है, ठीक है। तो जाइलम एक टिश्यू है, इसमें क्या होता है, कुछ हमारे ट्रैकेट्स होती हैं, कुछ हमारे वेसल्स होते हैं, ठीक है। किसमें, रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स में। तो ये जो ट्रैकेट्स हैं और जो वेसल्स हैं, ठीक है, जाइलम टिश्यू क्या करता है, जाइलम टिश्यू ट्रैकेट्स एंड वेसल्स ऑफ लीव्स स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है। स्टेम के, लीव्स के और रूट्स के जो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड समझ रहे हो, मतलब ऐसे ये होता है कनेक्टेड, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होता है ऐसा। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मीन्स इंटरनली पूरा कनेक्टेड है, और एक आपको पाथ दे रहे हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो कि इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, आपको एक पाथ दे रहे हैं, आपको एक रास्ता दे रहे हैं, ताकि वो इजिली पूरे प्लांट की, पूरे प्लांट में क्या हो सके, सर्कुलेट हो सके, समझ रहे हो। एक इंटरकनेक्टेड होने के कारण आपको एक रास्ता दे रहे हैं, आपको एक पाथ दे रहे हैं, ताकि वो पूरी बॉडी में क्या कर सके, जो वाटर्स है, वाटर है, जो मिनरल्स है, वो पूरा का पूरा प्लांट की बॉडी में इजिली सर्कुलेट हो सके, समझ रहे हो। और कैसे सर्कुलेट होगा, धीरे 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 वो पूरे उसमें सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक हो गया, समझ में आया इतना। अब क्या होता है, उसने बोला, बात करी, ठीक है, हमने ये मान लिया। अब उसने बोला कि जो कुछ अमाउंट में क्या होता है, वाटर जो होता है वो लॉस भी होता है, लीव्स से जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो रहा है ना, इट मींस वो लॉस तो हो रहा है। जब आपने सुबह सुबह आपने देखा होगा पेड़, आप देखते हो सुबह सुबह आप बाहर जाओगे पेड़ में, उसके कुछ ड्रॉपलेट्स होती है उसके ऊपर, कुछ पानी आपका पेड़ के नीचे गिराता है, पत्तों के नीचे होता है, पत्तों के ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स दिखेंगे आपको, पानी की बूंद दिखेंगी। तो ये क्या होता है, ये इवेपोरेट हुआ है। और कैसे हुआ है, दिन भर में आपका जो स्टोमेटा रहता है वो ओपन रहता है, रात में ये स्टोमेटा जो आपकी जो लीव्स होती है ना, ये आपकी लीव्स है मान लो, ठीक है, यहाँ पर ये गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको बच्चों डीपली पढ़ाना नहीं चाह रही, क्योंकि अच्छा नहीं है डीपली, क्योंकि आपके जितना सिलेबस में वही आपको पता चले, तो मैं आपको फिर भी थोड़ा बताती हूँ। गार्ड सेल्स होते हैं, इसके टिप में होते हैं, एरियल होता है जो टिप का, लीव का जो एरियल पार्ट होता है, मीन टॉप वाला पार्ट जो होता है उसको एरियल बोला जाता है, ठीक है। उसके टिप में क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं। तो ये गार्ड सेल्स जब श्रिंक होते हैं तो स्टोमेटा क्लोज रहता है, जब ये गार्ड सेल्स आपके ओपन होते हैं तो हमारा स्टोमेटा भी ओपन होता है, ठीक है। तो दिन भर में क्या होता है, स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं वो ओपन रहते हैं, एंड जैसे नाइट टाइम होता है स्टोमेटा क्लोज होने जाता है, एंड जैसे ही क्लोज होता है इसमें ड्रॉपलेट्स जो होते हैं इवेपोरेट होने जाती है, ठीक है, पानी जो होता है वो इवेपोरेट होने जाता है। और ये इवेपोरेशन का वहां पर काम हो रहा है, इसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। एंड यही ट्रांसपीरेशन प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, जो इवेपोरेट हो रहा है, वाटर बाहर जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, उसके बाद से फिर वही सर्कुलेशन हो रहा है, तो ये क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस है, जो इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द लीव्स इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ लीव्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, एंड ट्रांसपीरेशन इज मेनली फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। ट्रांसपीरेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, ठीक है। जो भी उसकी ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की वजह से ही हो रही है। तो ये क्या आपका जाइलम में, ठीक है। अब इसने कहा कि फ्लोएम में क्या होता है, तो हमने बोल दिया फ्लोएम में जो भी एनर्जी रिलेटेड है वो सारा का सारा क्या रहता है, जो भी आपकी फोटोसिंथेसिस एनर्जी होती है, ठीक है, वो हो रही है। तो अब क्या टॉपिक बनता है आपको कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी कहां किससे हो रही है, किससे हो रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, लीव्स में एनर्जी है वहां से पूरी सर्कुलेट हो रही है, कहां पर हो रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, पूरे प्लांट की इसमें हो रही है, एंड होती किसमें, फ्लोएम में होती है।
तो जो फ्लो में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, जो एनर्जी स्टोर्ड है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पूरे प्लांट में, एक एक पार्ट में, ठीक है, एक एक पार्ट के, पूरे प्लांट के एक एक पार्ट में, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, जो पूरा का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जो भी पूरा एनर्जी जो है आपकी फोटोसिंथेसिस, जो एनर्जी है जो स्टोर्ड है आपकी लीव्स में, उसका पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है टू द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लीव्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो एनर्जी आपकी फॉर्म है एटीपी की फॉर्म में, जो एनर्जी प्रेजेंट है वो पूरे के पूरे प्लांट में ग्रोथ कर रही है। एंड ये सबसे ज्यादा किस लिए है, कि जो फ्लावर्स की ग्रोथ होती है उसके लिए, किसी फ्रूट की ग्रोथ हो रही है उसके लिए। ठीक है, लीव्स में जो आपके ग्रीनिश लीव्स होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कहीं किसी किसी पेड़ में आपके प्लांट फ्लावर होते हैं, किसी किसी प्लांट में आपके फूल उगते हैं, प्यारे प्यारे से फूल होते हैं, जो ये जो फूल और जो आपकी क्या बोलते हैं आपको फ्रूट्स हो रहे हैं, ठीक है, इनकी जो ग्रोथ हो रही है उसके लिए जो नेसेसरी है वो आपका ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है। क्योंकि उनको, उनकी ग्रोथ के लिए, उनको ऑब्टेन करने के लिए एनर्जी की नीड वहां पर सबसे ज्यादा है। एंड एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्लोएम से मिलती है। ठीक है, फ्लोएम कहाँ पर होता है, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनको फ्लोएम बोला जाता है। तो वेस्कुलर टिश्यूज में क्या होती है, एनर्जी स्टोर रहती है, उसके बाद ये पूरे उस पर आपके प्लांट में, आपके पूरे सराउंडिंग में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पूरा का पूरा, जो आपके प्लांट के सराउंडिंग में जो हो रहा है वो पूरा का पूरा ट्रांसलोकेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, एंड इफ प्लांट्स की जो फ्रूट है, जो आपका फ्लावर है, उसकी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा नीड है इस चीज की। ठीक है, तो ये क्या है आपका, एक छोटा सा प्रोसेस है, ये क्या है आपका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ये समझ में आया आपको, थोड़ा सा टफ है, और ये जाइलम एंड फ्लोएम है, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे और बहुत अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक दिया गया है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जाइलम एंड फ्लोएम का वर्क है क्या, तभी आप 11th में समझ ही पाओगे इस चीज को। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। जिसको नहीं समझ आया वो भी क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं बताएंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, हम बच्चों, हमारा जो मोटिवेशन है वो आप लोगों से ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि भाई सामने वाले बच्चों को समझ में आ रहा है, हम जो पढ़ा रहे हैं हमारा मेन मोटिव क्या है, कि सामने वाले इंसान को समझ में आए। तो आप कमेंट करते हो तो हमें अच्छा लगता है कि ठीक है, जो हमने पढ़ाया वो सामने वाले इंसान को समझ में आया। ठीक है, तो जिसको नहीं समझ आया वो भी कमेंट करेगा, जिसको आया वो भी कमेंट करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।